Hello students, so today we are going to discuss one important topic of physical geography that is known as structure of atmosphere. This topic comes under the category of climatology. So we are going to discuss about the layers of the atmosphere. So before we start, first of all we should know what do you mean by atmosphere. So atmosphere ka matlab kya hota hai? Atmosphere ka matlab kya hota hai? Jo hamari earth hai, the air, this is hamari earth hai, this is our earth. So air That surrounds the earth, जो हवा अर्थ को सराउंड कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमोसफेयर. सो द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोसफेयर. तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एटमोसफेयर होता क्या है. दूसरी बात क्या है कि जो एयर है, जो मान लीजिए दिस इज योर एयर, इफ समवन आस्क यू क्या एयर का वेट होता है, तो एयर का वेट होता है, एयर हैज वेट, एयर हैज वेट. जो भी चीज का वेट होता है वो क्या करता है? प्रेशर मारता है. बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो जो एयर है, एयर हैज इट्स वेट, एयर का वेट होता है, जिसके वजह से वो एक प्रेशर मारती है अर्थ के ऊपर, और उस प्रेशर की वजह से हम उसी को क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हवा प्रेशर मार रही है किसके ऊपर? अर्थ के वजह से, दैट इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, now we all know that we have a lot of gases in the atmosphere like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, water vapor. So there are many gases, among which the nitrogen comprises a great percentage, that is around 78%. Then 21% is oxygen, or the rest of the amount mein aapki carbon dioxide, water vapor, helium, hydrogen, ye sab aa jata hai. ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द गैसेज इन द एटमोसफेयर. सो आपको ये भी पता होना चाहिए. और जो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कहते हैं CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? वो गैसेज जो कि एटमोसफेयर सनरेज आती हैं, सन रेडिएशन होते हैं. तो अगर सन रेडिएशन जो आ रही हैं, जो हीट वेव्स आ रही हैं, If any gas traps that rays, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस. दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि उसके वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है. अदर गैसेज आर वाटर वेपर, वाटर वेपर मीथेन हो गई. सो दीज ऑल आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, CFC. वी विल डिस्कस इट इन द ग्रीन हाउस गैस मॉड्यूल. ओके, सो राइट नाउ यू शुड नो द property of this carbon dioxide, that it is a greenhouse gas. Now let us study about this layers. जो हमारा atmosphere है, जो पूरे earth के अंदर हमारा atmosphere है, इसको हम लोगों ने divide कर रखा है. क्या कर रखा है? We have done the division of these layers into five layers. Into five layers. So first of all, I would like to tell you the name of the layers. The first layer is troposphere. Then above troposphere is stratosphere. It is like this. Suppose it is your sea level, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो, खड़े रहते हो, this is your earth, okay? तो जो सबसे पहली लेयर आती है वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर. फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? स्ट्रेथोस्फेयर. फिर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? मीजोस्फेयर. इस तरीके से फिर थर्मोस्फेयर, और फिर उसके ऊपर आ जाएगा आपका एग्जोस्फेयर. ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो ये लैंड है, सबसे लैंड के पास में सबसे पहली लेयर कौन सी आ रही है? ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, सो द ट्रोपोस्फेयर, इट इज द डेंसेस्ट एंड द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी ये लोएस्ट लेयर, कौन सी ये लोएस्ट लेयर, तो इट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ट्रोपोस्फेयर इज दैट इट इज ऑल्सो नोन एज वेदर मेकिंग जोन, क्योंकि यही एक लेयर है जो कि डिसाइड करती है वेदर ऑफ द अर्थ. अर्थ पर जितने भी वेदर हो रहे हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, दिस इज ऑल बीइंग डिसाइडेड बाय द लेयर ट्रोपोस्फेयर. अदर लेयर्स डू नॉट हैव एनी रोल इन इट. ओके, सो ट्रोपोस्फेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेयर वेयर द वेदर इज डिसाइडेड, बिकॉज ऑल वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर. लाइटनिंग हो रही है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, वी विल डिस्कस हाउ क्लाउड फॉर्म्स, ओके, लेटर ऑन. बट अभी आप ये जान लीजिए कि लाइटनिंग और क्लाउड फॉर्मेशन जैसे प्रोसेसेस किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज temperature decreases with increase of height. Temperature decreases with increase of height. Suppose, जैसे कि मान लो एक
एक बॉय यहाँ खड़ा हुआ है, अगर वो ऊपर चला जाता है और यहाँ पर होता है, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, सो विच इज ग्रेटर, T1 और T2? T1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैं अभी इस पे इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज, वहां पे ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग व्हेन वी आर गोइंग अप, तभी तो माउंटेनियस रीजन आपको क्या लगता है, ठंडे लगते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, सो थर्ड पॉइंट इज क्लियर, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ हाइट। ओके, तो अभी तक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब एक नोट आता है, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंस्टीट्यूट, जो भी हम आपको नोट बताते हैं प्लीज मेक श्योर कि आप उसको तमीज से सुने और ठीक से लिखें। ओके, जो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर होता है, व्हाट इज ट्रोपोपोज दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन फ्यू मिनट्स, जस्ट होल्ड इट। जो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर होता है इट इज नॉट सेम इन ऑल रीजन्स, इफ समवन इज हेयर एंड समवन इज हेयर, तो दोनों के लिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होगी, अलग अलग होगी, दोनों के लिए ट्रोपोस्फेयर की हाइट क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर टर्म, दैट इज कॉल्ड लैप्स रेट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग्स, प्लीज जॉट डाउन इन योर कॉपी बाई पॉजिंग द वीडियो। ओके, सो कैन आई रब दिस? ठीक है, I'm reconstructing this drawing and let us rub, okay, let it be. Suppose this is one of the layer and this is another layer. This is one, this is two. ठीक है, मान लीजिए कि ये जो एक person है यहां पे खड़ा है और इस time पे temperature कितना है, 30 degree centigrade. If I ask you what is the temperature T2, if T1 is 30 and T2 is, what is T2? तो सबसे पहली बात आती है कि आपको ये तो पता ही है कि T1 is greater than T2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, we have discussed कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, ये तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब ज्योग्राफर्स ने क्या देखा कि वेन एवर वी ascend, ascend मतलब जब हम चढ़ते हैं, if this man goes above 1 kilometer up, अगर ये लड़का ऊपर जाता है 1 किलोमीटर तो कितना टेम्परेचर फॉल होता है, 6.5 ऑन 1 किलोमीटर टेम्परेचर फॉल्स बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको ये चीज पता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस होता है तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज गोइंग टू बी 30 - 6.5, दैट इज गोइंग टू बी 23.5 degree centigrade. So this is your answer. So ये इसको क्या कहते हैं, lapse rate. So what is lapse rate? The fall in temperature by 6.5 degree centigrade on ascending 1 kilometer is known as lapse rate. So are you clear with this? Are you clear with this? This is called lapse rate. This is one of the important term which you should know. Okay. Now can I rub this? Okay. Another important term that is called tropopause. What is tropopause? See, I am encircling this tropopause, the word pause. How? See, ये आपका troposphere है और ये आपका क्या है, stratosphere. ये आपका क्या है, stratosphere. तो ये वाली जो layer है, ये transition layer है. इस layer के बाद ही तो layer change हुई है. तो जिस पॉइंट पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, जिस पॉइंट पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। सो आप लिखिए इसको पॉइंट को, व्हाट इज ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री, इट इज द बाउंड्री, इट इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड
दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट डू मीन बाय ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री बिटवीन दीज टू लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर. एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अबाउट ट्रोपोस्फेयर दैट इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. जैसे कि क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम अ लॉट ऑफ हीट रेस कम टू द अर्थ. सो ये क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है. इट कंट्रोल्स ऑल द इट कंट्रोल्स टू रीच द ऑल द सन रेस टू द ह्यूमन बींग. जिससे कि क्या होता है, नहीं तो आदमी जल जाएगा. तो ये कुछ कुछ रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आती. और नाइट में क्या होता है, क्योंकि ठंड पड़ती है तो बिकॉज ऑफ दिस एब्जॉर्ब रेज वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. तो ना तो हमारी ज़्यादा कूलिंग होती है अर्थ की और ना ज़्यादा हीटअप होती है. सो ट्रोपोस्फेयर हेल्प्स अस टू कीप द अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस ट्रोपोस्फेयर. एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वन मोर पॉइंट इज लाइक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. जस्ट इट्स अ स्मॉल पॉइंट. ऐसे ही आपका अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ. ठीक है, मैं एक बार यहाँ बताता हूँ कि जो ट्रोपोस्फेयर का हाइट है हाउ इट वेरीज. ये है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पॉइंट क्या है, पोल. अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो तो जो इक्वेटर पे हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर है वो क्या है, 18 किलोमीटर्स. और जो आपकी पोल्स पर हाइट है वो कितनी है, 8 किलोमीटर. सो इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं इसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है. सो 18 किलोमीटर एट इक्वेटर, लिख लो ये पॉइंट, एंड 8 किलोमीटर एट पोल. सो आप सबको एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर सबसे ज्यादा कहां पर होती है. सो इट्स एट इक्वेटर. It's at equator. So I hope you are clear with this troposphere. If you like the video, please do subscribe and to get the more notifications of the geography lectures. And in the next lecture, we are going to discuss about the stratosphere. Thank you so much.